चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इन दिनों हरियाणा के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कल देर रात जहां से दुष्यंत चौटाला उचाना की जो सीट है जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट को लेकर बड़ी अपडेट आई है कि उस सीट पर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला होने की बड़ी खबर वो निकल कर आई है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आपको बता दें कि यहां पर हमला हुआ है, इस मामले को लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला एक गांव के अंदर आपको बता दें कि प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद की जो गाड़ी थी वो दूर खड़ी हुई थी। चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला एक दूसरी गाड़ी के अंदर खड़े होकर वहां पर मंच को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की जो खड़ी गाड़ियां थी उनके अंदर तोड़फोड़ की गई और बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की जो गाड़ी थी उसमें सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की गई। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला ने पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई। उसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला ने तमाम बातें कही। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। वहीं आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे FIR से मतलब नहीं है, आप इसे तुरंत आपको बता दें कि जिन लोगों ने यह घटनाक्रम किया उनको गिरफ्तार करें। तो आपको बताने की कोशिश करें तो हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव बाकी चरण की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर यहां पर हमला हुआ है। चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से इस वक्त आपको बता दें कि